नमस्कार माय लॉर्ड में आपका स्वागत है। अपराध की दुनिया में चार्ल्स शोबराज को ठगों का बादशाह कहा जाता है। चार्ल्स शोबराज यानी द स्प्रेट, दरअसल वो एक कॉमन मैन है, यानी कि एक ठग, एक ऐसा ठग जो अपनी कला का ऐसा माहिर था कि जब भी किसी को अपना शिकार बनाया तो उसे अपनी लच्छेदार बातों के जाल में मकड़ी की तरह फंसा लेता था। लेकिन जैसा कि कहावत भी है, मकड़ी अक्सर अपने ही जाल में फंसकर जान गंवा देती है। दुनिया का ये महाठग भी अपने ही जाल में ऐसा फंसा कि अब नेपाल सुप्रीम कोर्ट से रहम मांग कर जीने की भीख मांग रहा है। बिकनी किलर के नाम से कुख्यात चार्ल्स शोबराज को नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने 19 साल सजा काटने के बाद उसे रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। आइए जानते हैं चार्ल्स शोबराज की रिहाई से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। वियतनाम में जन्मा चार्ल्स शोबराज फ्रांस का नागरिक है। उसने दुनिया के कई देशों के लोगों को अपना शिकार बनाया है। चार्ल्स शोबराज चोरी और ठगी का एक माहिर खिलाड़ी है। बेहद कुख्यात ठग शोबराज ने भारत, थाईलैंड सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में कम से कम 20 पर्यटकों को मौत के घाट उतारा है, जिसमें भी खास तौर से बिकनी पहनी महिलाएं होती थी। यही वजह है कि उसका नाम बाद में बिकनी किलर पड़ा। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने करीब 19 साल से नेपाल की जेल में सजा काट रहे चार्ल्स शोबराज को रिहा करने का आदेश दिया है। 2003 से जेल में बंद शोबराज को नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने उम्र के आधार पर रिहा करने का आदेश दिया है। 78 वर्षीय शोबराज को 15 दिनों के भीतर उसे उसके पैतृक देश फ्रांस को सौंपने का आदेश भी दिया गया है। नेपाल कानून के अनुसार 20 वर्ष की सजा की 75% सजा पूरी करने के बाद ये फैसला लिया गया है। नेपाल के जेल नियमों के अनुसार गंभीर अपराधों में सजा का 75% भाग पूर्ण होने पर जेल प्रशासन कैदी के व्यवहार, उम्र और स्वास्थ्य के आधार पर रिहा करने का फैसला कर सकती है। 1 सितंबर 2003 को नेपाल पुलिस को शोबराज की जानकारी एक अखबार की फोटो से मिली। एक अखबार में छपी कैसीनो के बाहर की तस्वीर में शोबराज भी नजर आया। तस्वीर आम होते ही नेपाल पुलिस को कई सूचना मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि शोबराज वर्ष 1976 से 1997 तक भारत की जेल में भी रह चुका है। साल 1976 में चार्ल्स ने भारत में घूमने आए एक फ्रेंच नागरिक की हत्या कर दी थी, जिसके लिए उसे 7 साल की सजा भी मिली थी। 1986 में वो अपने साथियों सहित तिहाड़ जेल से भाग भी निकला था, लेकिन फिर पुलिस ने उसे धर दबोचा था। सजा पूरी होने पर वो फ्रांस चला गया था।